एवरीवन, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह किड्स व्हीकल वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों का कंटेंट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं जो बच्चे देखना काफी पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और आजकल की जो मम्मियां फोन यूज करती है उनका फोन मम्मियां कम और बच्चे ज्यादा यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों को टारगेट। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही यूनिक, और आपको फेस दिखाने की भी जरूरत नहीं है, और आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। अगर आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर आप एक हाउसवाइफ है, या फिर आप एक स्टूडेंट है, तो भी आप इस टाइप के वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक घंटा का समय निकालकर आप इस टाइप के वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस टाइप के वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या इस चैनल पे व्यूज आते हैं और क्या इनके चैनल पर अर्निंग होती है। तो चलिए सब कुछ आज हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। देखिए, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन कर लिए। आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले YouTube को ओपन कर लिए, और आपको सर्च बार में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है किड्स व्हीकल वीडियो। देखिए, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं किड्स व्हीकल। देखिए, किड्स व्हीकल वीडियो हम यहाँ पे सर्च कर लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे किड्स व्हीकल वीडियो आ गया। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए पहला वाला जो वीडियो है सिर्फ 3 सप्ताह हुआ है ये वीडियो को अपलोड किए, और देखिए इसमें 15 मिलियन व्यूज है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा व्यूज आ रहा है इस टाइप की वीडियो में। देखिए, 3 मंथ पहले वीडियो को अपलोड किया और 62 मिलियन इनके व्यूज आए हैं। देखिए देखिए देखिए, ये भी व्हीकल वाला वीडियो है, देखिए लाइव है। देखिए ये वाला जो वीडियो, ये 1 मंथ पहले वीडियो को अपलोड किया और इनके 1 मिलियन व्यूज है। देखिए कितना ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो चलिए हम किसी भी चैनल को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमें कोई भी चैनल ले लेते हैं, जैसे हम इसी चैनल को ओपन कर लेते हैं। देखिए इस चैनल को हम ओपन कर लिए। देखिए 653 वीडियो को मात्र अपलोड किया, उनके सब्सक्राइबर देखिए कितना ज्यादा सब्सक्राइबर को ये गेन किए। देखिए 15.5 मिलियन ये सब्सक्राइबर को गेन किए। देखिए 6 डेज एगो यानी 6 दिन पहले ये वीडियो को अपलोड किया, इनके 96K व्यूज आए। देखिए 2 सप्ताह पहले ये वीडियो को अपलोड किए, इनके 2 लाख व्यूज होने वाले हैं। देखिए 3 सप्ताह पहले वीडियो को अपलोड किए, 174K इनका व्यूज आया है। देखिए आप ये डेली वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे हैं, अगर आप डेली इस टाइप की वीडियो को अपलोड कीजिएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा आपका अर्निंग हो सकता है। तो चलिए वीडियो वाले सेक्शन में हम चलते हैं। देखिए वीडियो वाले सेक्शन में हम चले, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा व्यूज आया। देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए इनका पॉपुलर वीडियो को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पॉपुलर वाले सेक्शन में चलते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए आपका होश उड़ गया होगा इनका व्यू देख के। देखिए 1 साल पहले ये वीडियो को अपलोड किया और इनके 376 मिलियन यानी 376 मिलियन का व्यू आया। देखिए देख सकते हैं आप कितना ज्यादा व्यू आया है सब में। देखिए सब में मिलियन में व्यू है। देखिए देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए इनका एक वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए व्हीकल वाला वीडियो को हम प्ले करेंगे। देखिए चलिए ये व्हीकल वाला वीडियो है, तो इसको प्ले कर लेते हैं। देखिए आप देख लीजिए किस टाइप की वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए अब हम आपको दिखाएंगे इसका अर्निंग, ये चैनल कितना ज्यादा अर्न कर रहा है। तो देखिए 3 डॉट पे क्लिक करके हम इसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं। देखिए हम लिंक को कॉपी कर लिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि ये चैनल कितना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ गूगल को ओपन कर लिए हैं। देखिए सोशल प्लेटफॉर्म यहाँ पे सर्च कर लिए, और देखिए पहला जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन कर लेना है। देखिए ओपन करने का आपको यहाँ पे उस चैनल का अर्निंग दिख जाएगा। देखिए हम यहाँ पे इसको लिंक को पेस्ट करके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे सर्च कर लिए, अब आपको यहाँ पे उस चैनल का अर्निंग दिख जाएगा कि ये चैनल कितना ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्हीकल वीडियो को क्रिएट करके। देखिए आप देख सकते हैं ये वही वाला चैनल है। देखिए इली किड्स कार्टून्स एंड सॉन्ग्स, देखिए आपको हम दिखा भी देते हैं। देखिए वही वाला चैनल है, इली किड्स कार्टून्स एंड सॉन्ग्स, देखिए वही वाला चैनल है। और आप इसका अर्निंग देख सकते हैं, देखिए 52.8K डॉलर से लेकर ये 844.7K डॉलर तक ये चैनल अर्निंग कर रहे हैं। देखिए कितना ज्यादा अर्निंग कर रहा है जबकि रेगुलर वीडियो को अपलोड नहीं करते। अगर रेगुलर वीडियो को अपलोड करेंगे तो सोचिए आप कितना ज्यादा अर्निंग होगा। देखिए किड्स कंटेंट में बहुत ही ज्यादा अर्निंग होता है। अगर आप फेस टाइम वीडियो नहीं बना सकते हो तो आप किड्स कंटेंट में काम कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप इसका अर्निंग देखे तो मोटिवेट हो ही गए होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इस टाइप के वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। देखिए ओपन करने का आपको सर्च बार में जाना, और यहाँ पे आपको सर्च करना है लियोस कार। देखिए यहाँ पे लियोस कार सर्च करके रखिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लियोस कार वाला वीडियो आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला ऐप को इंस्टॉल करना है। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको इसी ऐप को इंस्टॉल करना है। तो चलिए इंस्टॉल करके रखे ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अब आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। जब आप गेम को प्ले कीजिएगा तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। अगर आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा,
प्ले स्टोर से आके और फिर उसके बाद आप प्ले कर लीजिएगा। देखिए हम प्ले कर लिए हैं, देखिए प्ले पे क्लिक करेगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए गेम ओपन हो रहा है, देखिए लियोस द ट्रक लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे ये लोडिंग होना स्टार्ट हो गया। ये लोडिंग लेगा तब आपका गेम ओपन होगा, तब हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह इस टाइप के वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, आपको कैसे गेम को प्ले करना है, कैसे एडिटिंग करना है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे अभी एंड में। तो इसको लोडिंग लेने देते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे इस टाइप के गेम को प्ले करना है। चलिए इसको लोडिंग लेने देते हैं, फिर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे गेम लोडिंग ले लिया, देखिए अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बीच में प्ले वाला आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक करने का आपको यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल मिल जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको व्हीकल मिल जाएगा। देखिए आपको बहुत सारे व्हीकल मिल जाएगा, आप ये तीन व्हीकल को स्टार्टिंग में ले सकते हैं। देखिए तो हम ले लेंगे यहाँ पे ये पहला वाला जो व्हीकल, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम इसको ले लिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ऊपर में दिख रहा होगा एरो, आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपका जो व्हीकल है आपको उसको जोड़ना है। तो आप किस तरह जोड़ेंगे, देखिए आपको अपने अकॉर्डिंग जोड़ लेना है। तो हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए आपको कुछ इस तरह यहाँ पे ऐड करते जाना है। देखिए तीसरे वाले चक्के को लगाएंगे हम यहाँ पे, फिर चौथे वाले चक्के को ऐड करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे इसका ऊपर वाला पार्ट। देखिए कुछ इस तरह, देखिए देखिए फिर से हम जोड़ लेते हैं इसको, ये नहीं हुआ सेट ठीक से। देखिए ऊपर वाला पार्ट जोड़िए, अब आपको इसको ऐड करना है यहाँ पे। देखिए कुछ इस तरह आप भी करके देख लीजिएगा कैसे ये ऐड हो रहा है, कैसे ये मतलब सेट हो रहा है। देखिए आपको इस तरह सेट कर लेना है। देखिए देखिए यहाँ पे मेरा व्हीकल जुड़ चुका है। देखिए अब आपके पास यहाँ गेम ओपन हो गया। देखिए ध्यान रहे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है, क्योंकि आपको उसी को एडिट करना है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही नहीं कीजिएगा तो आप किसको एडिट कीजिएगा, तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूरी से कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो व्हीकल है ये आपका आगे बढ़ेगा। तो चलिए इस एरो पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए आप एरो पे क्लिक कर लिया, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाना है। देखिए यहाँ पे कचरा आएगा, आपको उस कचरे को उठाते जाना है। देखिए अगर आप अलग व्हीकल लेते तो उसमें आप अलग अलग उसमें आपको फंक्शन मिलता है, जैसे ये वाला व्हीकल में देखिए यहाँ पे कचरा आया। अब आपको क्या करना है, आपको ये कचरा वाला जो यानी कि एरो वाले के बगल में जो आइकन है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कचरा है, इसको कचरा उठाना। तो देखिए ये वाला गाड़ी आया, अब ये क्या करेगा, कचरा उठा के उस गाड़ी पे डालेगा। देखिए ये वाला पहला वाला जो गाड़ी था वो इस पे डाला। अब आपको फिर से एरो के बगल में जो आइकन है इस पे क्लिक करना है एक बार। देखिए टैप किए तो फिर से कचरा उठा के इस गाड़ी में डाल देगा। देखिए डाल दिया, फिर से ये वाला आइकन पे आपको क्लिक करना है। देखिए फिर से ये कचरा उठा के इसमें डाल देगा। देखिए तीन बार ये कचरा उठाता फिर ये गाड़ी जो है अपने आप चले जाएगा, और ये वाला जो गाड़ी है ये आपके खुद रोड पे आ जाएगा। फिर देखिए एक साइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फिर से एरो पे क्लिक कर देना है। देखिए देखिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाना है, क्योंकि आपको उसी को एडिट करना है। देखिए देखिए यहाँ पे ये आगे बढ़ते गया। देखिए देखिए फिर से यहाँ पे कचरा आ गया। देखिए कचरा आया, अब आपको क्या करना है, एरो के बगल में जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। देखिए कचरा उठाने चले गया, अब यहाँ पे ये वाला कार फिर से आएगा। अब ये कचरा उठा उठा के कार में डालेगा। देखिए कचरा उठाया, अब ये कार में डाल रहा है। देखिए फिर से आपको ये एरो के बगल में जो आइकन है इस पर एक बार टैप करना है, तो फिर से ये कचरा उठा के इस गाड़ी में डाल देगा। देखिए देखिए फिर से आपको इस एरो के बगल में जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। देखिए फिर से ये कचरा उठा के गाड़ी में डाल देगा। देखिए तीन बार हो गया, अब ये गाड़ी जो है चले जाएगा। देखिए चले गए ये गाड़ी, अब ये गाड़ी खुद रोड पे आ जाएगा। फिर इसको देखिए ट्विस्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इसी तरह फिर एरो पे क्लिक करके इसको आगे प्ले कर सकते हैं। तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे इसको एडिट करना है। तो चलिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए अब आप एडिट करने के लिए जिस ऐप का यूज करते हैं आप उसको ओपन कर लीजिएगा। हम सिंपली काइनमास्टर का यूज करते हैं। चलिए हम काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। देखिए काइनमास्टर को हम ओपन कर लिए, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। तो चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया न्यू प्रोजेक्ट। देखिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। और देखिए हम लॉन्ग वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, 16:9 के रेशियो को सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देखिए क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल कुछ इस तरह रोटेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको मीडिया लेयर पे वो वीडियो को ले आना है जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए होंगे वो गेम से। चलिए पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो किया उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि आपको इसको एडिट कैसे करना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो को ले आए, आपको क्या करना है ऊपर में कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए ये वीडियो को हम ले आए। देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका वॉइस को कम करना है, जो आवाज होगा वीडियो का आपको इसको यूज नहीं करना है। तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो कलर पे क्लिक कीजिएगा, मिक्सर के ऑप्शन पे जाना और इसका वॉइस को पूरा कम कर देना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको पहले इसको जूम कर लेना है। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, आप पेन एंड जूम में जाइएगा और दोनों उंगलियों के साथ इसको जूम कर लेना है। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं।
देखिए हम यहाँ पे जूम कर लिए, अब आपको इक्वल के साइन पे क्लिक कर देना है ताकि स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन दोनों इक्वल रहे। तो हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पे हम जूम कर लिए, यहाँ से बैक आ जाते। तो देखिए आपको क्या करना है, जहां से आपको गेम स्टार्ट नहीं हुआ होगा वहां से आपको ट्रिम कर देना है। देखिए आपको देख लेना है उंगली के साथ से बढ़ा बढ़ा के, देखिए यहाँ से हम रखेंगे। तो यहाँ वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, ट्रिम के ऑप्शन पे जाएंगे और ट्रिम लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड का पार्ट को कट करना था तो हम लेफ्ट पे क्लिक कर दिए। हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, देखिए बैक आ गए। अब आपको क्या करना है, देखिए हम इसको ट्रिम कर लिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट था हम ट्रिम कर। देखिए अब आपको यहाँ पे वॉइस ओवर करना है तो आप कैसे कीजिएगा, देखिए रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट पे क्लिक करके आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। देखिए आप चाहे तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के भी इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर कर देते हैं तो आपका जो चैनल मोनेटाइज होने का चांसेस बढ़ जाता है। यानी कि आपको चैनल अगर आप वॉइस ओवर कर देते हैं तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो, लेकिन अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाते हैं तो हो सकता है आपको चैनल मोनेटाइज नहीं हो। तो आपको वॉइस ओवर कैसे करना है, आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके वॉइस ओवर करना है। तो चलिए वॉइस ओवर करके आपको दिखा देते हैं। ट्रिन ट्रिन बस आ गई, ओहो ओहो, चलो इसको हम जोड़ेंगे। देखिए अब हम जोड़ेंगे इसको, अब हम लगाएंगे इसके पहले वाले चक्के को। देखिए ओहो ये तो नहीं सेट हुआ रे बाबा, देखिए हम फिर से सेट करेंगे इसको। देखिए फिर से हम सेट कर लेते हैं इसको। देखिए अब हम जोड़ेंगे इसके पहले वाले चक्के को, अब हम जोड़ेंगे इसके दूसरे वाले चक्के को, अब हम जोड़ेंगे इसके तीसरे वाले चक्के को, अब हम जोड़ेंगे इसके चौथे वाले चक्के को, वाह अब हम जोड़ेंगे इसके ऊपर वाले पार्ट को। ओहो ये तो नहीं जुड़ा रे बाबा, अब हम फिर से इसको जोड़ लेंगे। देखिए हम यहाँ पे वॉइस ओवर कर लिए, अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। देखिए वॉइस ओवर कर लिए, अब आपको क्या करना है, आपको एक बार इसको प्ले करके देख लेना है। तो चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। देखिए इसी तरह करके आपको वॉइस ओवर करना है। हम यहाँ पे आपको हड़बड़ी में बताएं वॉइस ओवर करके आप स्थिर से वॉइस ओवर कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले स्क्रिप्टिंग कर लीजिएगा फिर आप वॉइस ओवर कीजिएगा, उससे आपका एकदम परफेक्ट सेट होगा। देखिए मैं आपको हड़बड़ी में बताया इसलिए कुछ थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है, आपको स्थिर से यहाँ पे वॉइस ओवर कर लेना है। अब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है जिससे आपको वीडियो और भी क्रिएटिव लगे देखने में, तो आप कैसे ऐड कीजिएगा, देखिए ऑडियो कैप्शन पे जाइएगा, और अगर आपके पास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक ले लिया, आपको ऊपर में कर्स दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। देखिए आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज पूरा कम करना है, यानी कि आपको 10 पे रखना है, या फिर आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग प्ले करके, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉइस ओवर भी करना है, आपको वॉइस ओवर का आवाज जो क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज एकदम मतलब बैकग्राउंड में हल्का हल्का सुनाई देना चाहिए जिससे आपको वीडियो देखने में क्रिएटिव लगे। तो चलिए बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, मिक्सर के ऑप्शन पे जाएंगे, हम इसको 10 पे कर लेंगे। देखिए हम 10 पे कर लेते हैं, देखिए हम 11 पे कर लिए, अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। देखिए हम यहाँ से बैक आ गए, अब आपको अगर हम प्ले करके सुना देते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज ज्यादा तो नहीं आ रहा है और ये जो वॉइस ओवर जो वो क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं, तो चलिए हम प्ले करके एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा वीडियो लग रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा वीडियो क्रिएट हुआ, आप भी इस टाइप की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यानी हम इसको सेव करेंगे, क्योंकि ये वीडियो तैयार हो चुका है, आप भी इसी तरह वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप अलग अलग कार को ले सकते हैं, अलग अलग व्हीकल को ले सकते हैं और वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए आपको ऊपर में दिख रहा होगा एरो, आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है। देखिए सेव होना स्टार्ट हो गया, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग व्हीकल के साथ अलग अलग वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।